हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल बनता कैसे है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पेट्रोल, डीजल आज के समय में हम सबकी अहम ज़रूरत बन चुका है, और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में इस टाइम पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। वो इसलिए क्योंकि भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं होता, इसीलिए इसको दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है। इसीलिए जब ये इंडिया में आता है तो आते आते इस पर कई तरीके के टैक्स लग जाते हैं, जिस वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि असल में पेट्रोल बनता कैसे है, डीजल बनता कैसे है, ये मिट्टी का तेल बनता कैसे है। तो हम आपको बता दें कि कई हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे, जीव जंतु कई बड़े आय विनाश के कारण दब गए थे, और बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण मृत पौधे और जानवर एक पेट्रोलियम जैसे पदार्थ में बदल गए थे। उसके बाद इंसान ने क्या किया, ज़मीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे ऐसे भंडारों का पता लगाया, और समुद्र की चट्टानों से निकले काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू किया, जिसको क्रूड ऑयल कहा जाता है। अब इस क्रूड ऑयल को क्लीन करने के लिए ऑयल रिफिनरीज़ में लाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में लाया जाता है। अब इस ऑयल को बड़े बड़े कंटेनर में डालकर गरम किया जाता है। कैसे गरम किया जाता है, इस ऑयल को डिफरेंट टेम्परेचर पर उबाला जाता है, ताकि हमें डिफरेंट चीज़ें मिल सके, जैसे डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। अब वो कैसे कैसे मिलेगा दोस्तों, क्योंकि चीज़ तो एक ही है, लाइक क्रूड ऑयल, और एक ही क्रूड ऑयल से वो तीन चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पर उबालने पर बनाई जाती हैं। जैसे कि 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने उस क्रूड ऑयल को उबाला तो डीजल मिल गया, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला तो मिट्टी का तेल मिलता है, और 110 सेंटीग्रेड पर उस क्रूड ऑयल को उबालने पर पेट्रोल मिलता है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल बनता है, और फिर वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करने के बाद वो हमारे जहाँ से हम लेते हैं, लाइक पेट्रोल पंप से, और जहाँ से भी हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल लेते हैं, तो वहाँ पर आते आते इसकी कीमत टैक्स के कारण इतनी बढ़ जाती है, कि हमें वो पेट्रोल और डीजल महंगा मिलता है। अरब जैसे देशों में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इसका उत्पादन होता है, वहाँ पर ही पेट्रोल बनता है। तो इसीलिए पेट्रोल और डीजल हमें भारत में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद ही मैं आपके पास नई नई वीडियो शेयर करूँगी, आपको नई नई वीडियो दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे।